चतरा सदर थाना में नव पदस्थापित थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने लव कुमार से लिया प्रभार। 2012 बैच के पिपरवाल अंचल के निरीक्षक मनोहर करमाली का चतरा सदर थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापन हुआ है। चतरा सदर थाना में श्री करमाली आज योगदान लिए। चतरा शहर के निवर्तमान थाना प्रभारी लव कुमार ने करमाली को प्रभार दिए। गुरुवार को नव पदस्थापित थाना प्रभारी का निरीक्षण लिया है। आपको बताते चले कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अधिसूचना के मुताबिक चतरा सदर थाना के निवर्तमान थाना प्रभारी लव कुमार को तबादला प्रतापपुर अंचल में हुआ है। वहीं प्रतापपुर अंचल में पदस्थापित पुलिस निरीक्षक रंजीत रोशन का तबादला पिपरवाल अंचल में किया गया है। नव पदस्थापित थाना प्रभारी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता बढ़ते अपराध को रोकना है और हम चतरावासियों से अपील करते हैं कि पुलिस के साथ फ्रेंडली रहें और हमें सहयोग करें ताकि हम बढ़ते अपराध पर अंकुश लगा सकें। सबसे पहले तो आप चतरावासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ थाना प्रभारी के रूप में पद ग्रहण किया हूँ और इस नाते यहाँ विधि व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल करना मेरी प्राथमिकता होगी और लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित कर पुलिसिंग को और व्यवस्थित करूँगा। थैंक यू। चतरा जिलावासियों क्या संदेश देना चाहेंगे? चतरा जिलावासियों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि वे पुलिस को सहयोग करें ताकि हम लोग विधि व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल और यहाँ पर जो नशा की संबंधित ज़्यादातर घटनाएँ होती है, नशे से यहाँ के नौजवान लड़के लोग उधर भटकते जा रहे हैं, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को जागरूक करके इसको रोका जा सकता है। इसलिए मैं अपेक्षा करूँगा, संदेश मेरा यही रहेगा लोगों से कि अपने जो टीनेजर्स हैं, यंग लड़के हैं, उन लोगों को बीच जागरूकता फैलाकर उन लोगों को इस नशे के रास्ते से जाने से रोका जाए। सर, चतरा में युवा जो है बहुत अधिक मात्रा में ब्राउन शुगर का यूज कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे अंकुश कैसे लगाइएगा? देखिए, सबसे पहले बात तो ब्राउन शुगर जहाँ से उत्पादन हो रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे कि वो ब्राउन शुगर का खेती ही नहीं हो पाए। अगर वो खेती नहीं होगी तो ये जो नशे की आदत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ब्राउन शुगर का यूज ही नहीं हो पाएगा।